सपोज मानिए आपने किसी स्टॉक को खरीदा 700 के प्राइस पे और उसका प्राइस जो है अगर 5000 रुपीज हो गया है तो आपको कितनी खुशी होगी? होगी, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि आपका जो आपने 700 रुपीज लगाया था बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिला था। वैसा ही स्टॉक आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसी क्वेश्चन के आधार पर ये जो है शेयर है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, कोई भी इंसान है तो क्या सोचता है? सबसे पहला कुछ भी करेगा, नहीं यार मेरा घर अच्छा होना चाहिए, चाहे जो भी हो घर अच्छा होना चाहिए। जो अभी मान लीजिए जो अभी कमाना स्टार्ट किए हैं, जो अभी बिगनर्स है, ठीक है दोस्तों, तो जिनको जॉब लगा है वो क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो अपना घर बनाऊंगा अच्छा सा, फिर चाहे मुंह में अगर कुछ भी आता है तो क्या आता है, घर गाड़ी बंगला जो भी आता है, ठीक है, तो दोस्तों घर। लेकिन किसी ने ये सोचा कि मान लीजिए कि आप अगर घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और किसी ने एक लेबर या जो भी है दोस्तों वहां पर आके बोलता है कॉन्ट्रैक्टर आपको कि आपके घर बनाने में जो है 1 लाख रुपया और चाहिए होगा, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, आप बिल्कुल मना नहीं करोगे, आप ये बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है आप ले लो 1 लाख रुपया, लेकिन घर अच्छा से बन जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा से बना दो, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या आपको ये पता है घर किससे बनता है? सीमेंट से बनता है। सीमेंट दोस्तों प्राइमरी थिंग होता है, उसमें आपको उसको जो है ऐसा ऐसा चीज़ है जो आपको ला के देना ही पड़ेगा, वो क्या होता है दोस्तों? कंपल्सरी नीड होता है वो, ठीक है। और ये देखिए लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। अगर आप घर बनाते हो तो आप सबसे अच्छा जो है क्वालिटी का जो भी मटेरियल यूज़ करोगे सीमेंट, ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी का जो है, उसमें आप ये नहीं देखोगे कि भाई 2 रुपया सस्ता वाला ला दो, थोड़ा सा कम कर दो, ये सब कुछ नहीं, अच्छा ब्रांडेड होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस वजह से यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो है अल्ट्राटेक सीमेंट का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 250 के रेंज में था ये स्टॉक, देख सकते हो 250 के रेंज में, जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट है 250 के रेंज में, कहां 2009 में, 2009 में 250 का स्टॉक, आज की डेट में देख लो दोस्तों, ये देख सकते हो 200 रुपए का शेयर, ये 5000 को टच करने जा रहा, देख सकते हो 4750, मतलब कि दोस्तों ये 5000 की ओर चल पड़ा है। तो सोच सकते हो दोस्तों 200 रुपए का स्टॉक 5000 रुपया बन सकता है 2009 में, और आज है दोस्तों 2020, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा टाइम नहीं, सोचिए आपका पैसा कितना गुना हो चुका होगा, कितना गुना हो चुका होगा। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे स्टॉक के पीछे अगर आप जाओगे, ठीक है, ऐसे स्टॉक के पीछे आप जाओगे तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों 4434 रुपीज, मैं तो बोलूंगा खरीद लो, छोड़िएगा मत दोस्तों, एक भी छूट ना जाए। केवल अगर देखो जिनके पास पैसे नहीं है, जो जिनके पास पैसे हैं जो बड़े निवेशक है वो तो खरीद लेंगे भाई, चलो सही है, लेकिन जो छोटे निवेशक है मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ी थोड़ी करके खरीदो, जितने आपके पास पैसा है थोड़ा थोड़ा करके खरीदो, 2 स्टॉक 3 स्टॉक 4 स्टॉक करके आप खरीदो, 5 स्टॉक करके खरीदो, अपने पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक रखोगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा। तो जरूर खरीदे, पक्का एक तो खरीद लो भाई, एक तो खरीद लो, आप लोगों के लिए प्रॉफिट मिलेगा तो आप लोगों को, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूं एक तो खरीद ही लेना चाहिए। यहां पर देख सकते हो आपको भी पता है, आप खुद से पूछिए, आप नहीं चाहते कि आपका घर बहुत अच्छा और हाईली डिमांडेड और मतलब कि दोस्तों जो आने वाले दिनों में और भी अच्छा उस चीज़ से बने, है कि नहीं? तो सब लोग चाहते हैं मेरा घर जो है एक बहुत अच्छा सोने की तरह महल की तरह हो, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको अच्छा से अच्छा जो है कीमत भी चुकाना पड़ता है, और उस कीमत को चुकाने के लिए आप रेडी भी हो, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को खरीदने से हिचकिचाहट क्यों? और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, आँख खोल के देख लेना, ठीक है, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, सुनना तो कान से रहेगा ही लेकिन आँख खोल के भी देख लेना, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो स्टॉक है 10 सालों में भी नहीं गिरा, 10 साल हो गया लेकिन दोस्तों ये स्टॉक नहीं गिरा, एक ही बार गिरा था, कब गिरा था ये स्टॉक देखिए, एक ही बार गिरा था जब ये स्टॉक इधर के रेंज में था, थोड़ा बहुत गिरा था, ठीक है, 250 तक गया था, जब ये आया था 1250 के आसपास आया था, उसके बाद गिर गया था, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों सीजनल इफेक्ट पड़ जाता है, और कंपनी के ऊपर भी देखिए, कंपनी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है, तो थोड़ा भी इफेक्ट आने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। 2000 रुपीज का स्टॉक 250 बन चुका था, 250 के रेंज में आ ही चुका था, उसके बाद मैं बोल देता हूं दोस्तों 2009 से लेकर अभी तक ये स्टॉक में गिरावट नहीं हुआ है, आपके सामने इसका चार्ट लगा हुआ है, यहां पर देख सकते हो दोस्तों 2010 से यहां देख लीजिए दोस्तों, अभी जो चल रहा है 2020 आ ही चुका है, क्यों नहीं गिरावट हुआ? और हाँ एक चीज देख लीजिए, ये जो थोड़ा बहुत गिरावट आता है ना, ये थोड़ा बहुत गिरावट आता है ना, ये सीजनल अफेक्ट पड़ता है। सीजनल अफेक्ट क्या पड़ता है,
मौसम, ठीक है, जैसे मौसम चेंज होता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो रेनिंग सीजन में अपना घर नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको समस्या आ सकती है घर में, घर बनाने में, आपको लेबर को जो है कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा उनको परेशानी आएगी घर बनाने में, ठीक है। तो क्यों होता है, सीजनल इफेक्ट जब पड़ता है तो सीमेंट का डिमांड जो है घट जाता है। एक चीज़ मैं आपको और एक्स्ट्रा में बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ईयर ऑन ईयर, तिमाही ऑन तिमाही, मतलब कि हर एक साल दोस्तों 4% जो है सीमेंट का डिमांड प्लस प्राइस इंक्रीज होता है। डिमांड प्लस प्राइस, डिमांड का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोगों को और चाहिए भाई, मुझे और चाहिए, ठीक है। और प्राइस का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपको और चाहिए तो प्राइस इंक्रीज कर दो, कुछ तो जिनको चाहिए उनको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, 10 सालों में स्टॉक में गिरावट नहीं हुआ है, तो मैं बोलूँगा ऐसे स्टॉक को अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लो भाई, धीरे धीरे खरीद के रख लो, 5 साल 10 साल ऐसे स्टॉक को दे दो। ऐसे अगर मान लो कि 5 साल भी ऐसे स्टॉक में आप रह जाओगे तो आपको अच्छा से अच्छा जो है रिटर्न मिल जाएगा। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, 10 सालों में ये स्टॉक एक बार भी नहीं गिरा। जब ये स्टॉक गिरा था तो यहाँ पर देख लीजिए केवल एक बार गिरा था, वो भी 2009 या 2007 में गिरा था दोस्तों। जब 2007 में गिरना स्टार्ट हुआ था, 2009 हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं गिरा पाया ऐसे स्टॉक को। और उस कंपनी को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए जिसमें प्रमोटर्स का मोर देन 50% जो है, मान लीजिए अगर 70 या 80% अगर होल्डिंग है, तो तब तो दोस्तों बहुत अच्छी बात हो गई हिस्सेदारी के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 60% है, बहुत अच्छी बात है। ये होल्डिंग होता क्या है दोस्तों, हिस्सेदारी होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर कीजिएगा प्लीज़। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें इंकरेजमेंट मिलती है। आपको वीडियो अगर लाइक करते हो तो पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन इंक्रीजमेंट करोगे तो हिम्मत मिलेगी दोस्तों, उत्साह बढ़ेगी, तो और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के सामने ला पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का वीडियो है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रमोटर होता क्या, प्रमोटर वो इंसान होता है दोस्तों जो दुकान चलाता है। दुकान कौन चलाता है, अगर मान लीजिए कि आपने कोई शॉप डाला है, ठीक है, अगर कोई कस्टमर आता है और आपको डीमोटिवेट करके चला जाता है, अरे यार तुम क्या, मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट, ये अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो आप क्या करोगे, अपना दुकान का शटर गिरा दोगे। अब देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी लोग हैं, ठीक है, अब ये क्या होते हैं दोस्तों, कुछ लोगों को बोलते हैं नहीं यार तुम तो बहुत महंगा देते हो, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं नहीं यार ये फ्लिपकार्ट अच्छा। अब तुम किसकी बात मानोगे, जिन्होंने अच्छा बोला उनके लिए या जिन्होंने खराब बोला उनके लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी भी जो सेलर है उसको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, आपको नहीं लेना है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे तरफ से माफ़ी है आपके लिए, ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों के लिए, मैं दूसरे जो कस्टमर है मैं उनको बेचूंगा, ठीक है, आपको सुटेबल नहीं लगा मैं दूसरे को बेचूंगा। तो वो होते हैं प्रमोटर जो प्रमोट करते रहते हैं दोस्तों, और अपना प्रोडक्ट के पीछे हार नहीं मानते हैं और बोलते नहीं मैं करूँगा करूँगा। तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास जितना जो है कॉन्फिडेंस होगा ना कंपनी, और उतना जो है स्पीड के साथ ऊपर जाएगी। यहां पर देख लीजिए प्रमोटर का हिस्सेदारी बहुत अच्छा है। और ये लास्ट है जो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं, ये आपका आंख खोल के रख देगा, ठीक है। ये है आप लोगों के सामने रिजल्ट। सबसे पहले ये जो देखा जा रहा है दोस्तों, ये जो है आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ये 1 ईयर का रिजल्ट है, ठीक है, ये 1 ईयर का, ये 3 मंथ का रिजल्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं भाई। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, सेल्स में देखिए 6% की 7% की दो यहाँ पर देख सकते हैं ये हुआ, ठीक है, मान लीजिए जो भी इंक्रीज हुआ या प्रॉफिट हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, कंपनी कितना आगे पीछे जा रही है दोस्तों, ठीक है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस है 22%, ठीक है, 22.94, मान लीजिए 23% है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। एक साल की बात कर लेते हैं, ये तो क्वार्टरली रिजल्ट था, ठीक है। अब देखिए 1 ईयर का, तो 1 ईयर में दोस्तों देखिए 10% की जो है सेल्स में इंक्रीज हुई, ठीक है, बढ़ोतरी हुई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भाई थोड़ी नीचे आ जाते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 80%, 80 दोस्तों, 8 देख सकते हैं, 80.84, मतलब कि दोस्तों 81%, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप सोच सकते हो ना कंपनी किस रफ्तार से आगे जा रही है। हाँ, लेकिन ये मत सोचिएगा दो दिन अपने शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखा, अरे यार ये तो कुछ नहीं हो रहा, निकाल दो इसको, अरे यार 10 दिन हो गया है मज़ा नहीं आ रहा। शेयर मार्केट में मज़ा करने के लिए कोई नहीं आता, इंजॉयमेंट के लिए कोई नहीं आता। शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है, अगर आप नॉलेज लेने बढ़ जाओ ना तो बुक भी उसके सामने कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा चीज़ है। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, वॉरेन बफेट ने जब मार्केट में आए थे, जब भी वो मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करते थे तो दोस्तों वो एक दिन के अंदर कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करते थे, 5 घंटे 5 घंटे वो बुक्स रीड किया करते थे, उसके बाद जो है वो शेयर मार्केट को देखते थे।
हमारी तो इतनी मजाल ही नहीं है दोस्तों, ना ही हम शेयर मार्केट को स्टडी कर पाते हैं, ना ही शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई बुक को स्टडी कर पाते हैं। हम तो बैठे यार इतने बड़े हैं, हमारे पास टाइम ही कहाँ है, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है, जब एक बार आपके पास नॉलेज आ जाएगा ना, उसके बाद जहाँ भी आप पैसा लगा दोगे ना, आप देखिए रॉकेट की तरह पैसा बढ़ेगा। लेकिन इतना याद रखें, एक पहली बार अगर आपने पैसा डुबा दिया, ठीक है, पहली फर्स्ट टाइम अगर आपने पैसा डुबा दिया और उसके बाद आपने नॉलेज लिया ना, कोई काम का नहीं, खत्म कहानी हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, एक ही तो जिंदगी मिली है। और एक चीज़ सीमेंट का दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जो है शेयर से आप खरीद सकते हैं सीमेंट सेक्टर में भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे यार कि तुम क्यों, तुम्हारे बोलने से तो ऊपर नहीं चला जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बोला था कि दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में, कौन से यूट्यूब चैनल में, ये जो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट है, ये जो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट है, इसमें एक दिन पहले बता दिया जाता है। हाँ दोस्तों, एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला। अभी मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ के तौर पे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे वीडियो हर बार आपके सामने पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहां पर देखिए साफ साफ लिखा था दोस्तों, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ठीक है, विस्फोट, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, विस्फोट बिग न्यूज करके यहां पर भी देख लीजिए, ये जो थंबनेल है, थंबनेल के बाद ये रहा टाइटल, जेके लक्ष्मी सीमेंट लेटेस्ट गुड न्यूज करके। अब डेट देख लेते हैं, कौन से डेट पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, 5 नवंबर को, यहां पर देख सकते हैं 5 नवंबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था 2019 में, ठीक है ना। अब ये हो गया, आपके सामने मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं कि मैंने कौन सा स्टॉक और कितने प्राइस में बोला था खरीदने के लिए, और आज का डेट का प्राइस क्या है। पहले देखेंगे प्रीवियस डेट, और आज के देख सकते हैं आप दोस्तों, 2020 फरवरी आ चुका है, ठीक है, और प्रीवियस प्राइस देखेंगे, और आज के डेट में देखेंगे प्राइस क्या है इस स्टॉक का, डिस्कस क्योंकि करने वाले हैं दोस्तों जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका मैं इसलिए ये वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो जो मैंने बताया अल्ट्राटेक सीमेंट, वो भी एक सीमेंट था, और ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये भी एक सीमेंट था, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों थोड़ा छोटा था, ये छोटा स्टॉक था, इसमें आप जम के जो है प्रॉफिट कर सकते थे। अल्ट्राटेक सीमेंट दोस्तों टाइम लेता है, लेकिन उसमें भी अच्छा प्रॉफिट देगा, तो दोनों सीमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छा कर देता हूँ। आने वाले दिन में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो सबसे पहले आपको करंट मार्केट प्राइस दिखा देता हूँ, 306 रुपीज है इसका। तो दोस्तों इसका मार्केट में अब भी थोड़ी बहुत जो है गिरावट हो रही है, लेकिन दोस्तों जो लोग भी इसमें खरीदारी कर चुके हैं, मतलब पहले से खरीद के बैठे हुए हैं, उनको ये जो टाइम है यहाँ पर निकलना नहीं है दोस्तों, उनको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक का जो प्राइस है पहले से ही गिर चुका है, अब इसमें गिरावट ज्यादा नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसका जो हाईएस्ट बना था देखिए 540 के आसपास बना था, लेकिन अब भी स्टॉक किस प्राइस में मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 300 के प्राइस में, ये जो लोएस्ट बनाया था यहाँ पर 278 के आसपास जो है इसने लोएस्ट बनाया था, उसका बाद दोस्तों धीरे धीरे इसमें जो है बाउंस बैक आ रहा है। तो जो लोग पहले से खरीदारी करके बैठे हैं उनको यहाँ पर नहीं निकलना है, वो इस टाइम पे एवरेज कर सकते हैं, जिससे और अच्छा मुनाफा लेके जा सकते हैं। और जो लोग खरीदारी नहीं किए हैं दोस्तों, आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में अच्छा जो है इसमें इंप्रूवमेंट आने वाला है, उस टाइम जो है आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखा दोस्तों, मैंने साफ साफ बोला, एक चीज़ मैंने बोला जिन्होंने पहले से खरीद रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों शेयर का प्राइस थोड़ा सा गिर चुका है, तो मैंने बोला जिन्होंने पहले से खरीद रखा उनको बेचना नहीं है, उनको क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज क्यों करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बोला जिन्होंने खरीदारी नहीं किया है वो खरीद ले, क्योंकि आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें आपको अच्छा से अच्छा ग्रोथ देखा जाएगा और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट आपको देखा जाएगा, ठीक है। एक बार मैं और वीडियो आप लोगों के लिए प्ले कर देता हूँ। मुनाफा लेके जा सकते हैं, और जो लोग खरीदारी नहीं किए हैं दोस्तों, आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में लोएस्ट बनाया था यहाँ पर 278 के आसपास जो है इसने लोएस्ट बनाया था, उसका बाद दोस्तों धीरे धीरे इसमें जो है बाउंस बैक आ रहा है। तो जो लोग पहले से खरीदारी करके बैठे हैं उनको यहाँ पर नहीं निकलना है, वो इस टाइम पे एवरेज कर सकते हैं, जिससे और अच्छा मुनाफा लेके जा सकते हैं। और जो लोग खरीदारी नहीं किए हैं दोस्तों, आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में अच्छा जो है इसमें इंप्रूवमेंट आने वाला है, उस टाइम जो है आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या बोला था कि आप अच्छा प्रॉफिट जाके बना सकते हैं दोस्तों, आप जो है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में आप जेके लक्ष्मी सीमेंट सर्च मारिएगा तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जब लेकिन मैं आपको बस इतना ही दिखाना चाहता हूँ कि जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसका करेंट मार्केट प्राइस कितना था, ठीक है, जेके लक्ष्मी सीमेंट का। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एक मिनट, ताकि मैं आप लोग, हाँ यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जेके लक्ष्मी सीमेंट का कितना था, 300 रुपीज़ चल रहा था, ठीक है। जेके लक्ष्मी सीमेंट का कितना चल रहा था दोस्तों, 300 रुपीज़। आज के डेट में देख लेते हैं प्राइस इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। और आज के डेट में यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने जेके लक्ष्मी सीमेंट का चार्ट जो है सेट कर दिया है। ये लाइन को आप फोकस कीजिए दोस्तों, ये जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए मैंने चार्ट को सेट किया है 5 नवंबर 2019 को, ठीक है, 5 नवंबर 2019 को यहाँ पर देख सकते हैं जब मैंने बोला था दोस्तों। उसके बाद देखिए स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट हुई, कहाँ तक चल गया दोस्तों, स्टॉक चला गया था 270 के आसपास चला गया था, ठीक है। उसके बाद
ग्रोथ देख लो दोस्तों, ग्रोथ देख लो, यहीं पर मैंने बताया था ना आपको। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 270 का स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं, 400 को बस टच ही करने वाला था, 390 को टच कर ही दिया था 400, मतलब कि दोस्तों 10 रुपये के आसपास का फर्क रह गया। तो इसमें देखिए आपको कितना अच्छा ग्रोथ और कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर 300 का स्टॉक 400 हो जाता है तो आपको पता है कितना प्रॉफिट हो सकता है परसेंट में? 25%, 25%। सोच सकते हो दोस्तों, अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें 7% मिलता है, अगर हम स्टॉक में पैसा लगाते हैं ठीक है, तो 4-5 महीने के अंदर अगर आपको 25% मिल जाता है तो सोच सकते हैं 1 लाख रुपए पे 25, ठीक है। अगर जिन्होंने 1000 क्वांटिटी खरीदा होगा, और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 1000 क्वांटिटी खरीदे थे, उनको दोस्तों 1 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख रुपीज से यार कुछ ही कम है, लेकिन दोस्तों आपको वहां पर मैं दिखा दूंगा, 1 लाख रुपीज उनको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे करके आप जो है अच्छा से अच्छा अपना जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ये देखिए एक बार मैं और फिर से आपको डेट दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए 5 नवंबर को मैंने ये वीडियो बनाया था, 5 नवंबर को, ठीक है। तो ये है दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहाँ पर आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है। अब आपको क्या करना है हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब में ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार में देखिए अपने यूट्यूब में जाके ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपको सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। देखिए मैं डेली सर्च मारता हूँ इसलिए आ चुका है। जैसे ही आप परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट सर्च मारिएगा, आपके सामने ये देखिए आइकॉन आ जाएगा परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट की तरफ से, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास आ जाएगा वीडियोज़, वीडियोस में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे वीडियोस आ जाएंगे। सारे वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हो, 22 आवर्स पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, 1 डे अगो मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये भी देख सकते हो 2 दिन पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, तो आप मेरा सारे वीडियोज़ को यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ही जेके लक्ष्मी का प्राइस गिर रहा था तो हम भी वेट कर रहे थे कि भाई तुम गिरो, जहां भी तुम गिर जाओगे, गिरने के बाद जैसे ही तुम उठना स्टार्ट करोगे ना, हम तुमको दम भर खरीद लेंगे, दम भर, एक भी स्टॉक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे जो पहले के कस्टमर थे, ठीक है, उनको मैंने पहले से बोल रखा था, जो पहले पुराने थे उनके पास, और वहां पर देखिए 1 जनवरी को मैंने इनको बोला था दोस्तों जेके लक्ष्मी सीमेंट आपको खरीदना है, प्राइस देख लो 282 रुपीज पे, देख सकते हो दोस्तों 282। सब मैंने वीडियो बनाया था 300 पर, थोड़ा प्राइस डिक्रीज होने लगा। तो क्या होता है, कुछ ऐसे भी होता है दोस्तों, जहां वीडियो बनाया वहां पर धड़ाक से खरीद लेते, ऐसा नहीं। वहां पर देखो मूवमेंट अगर नीचे जा रहा है तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, अच्छी बात है ना। अगर आपको किसी कोई चीज अगर आप खरीदने में जा रहे हो, थोड़ी सी सस्ती प्राइस में मिल जाती है तो अच्छी बात है यार, तब तो बात बन गई, ठीक है। अगर 300 रुपए का सामान अगर 20-30 रुपए अगर आपको सस्ता मिलता है तो आप छोड़ोगे उसको? नहीं भाई, और सस्ता होने दो तब खरीदेंगे, ठीक है। हमने भी दोस्तों वैसे किया, यहां पर देख ले वीडियो बनाने के बाद 1 जनवरी को यहां पर देख सकते हैं दोस्तों बाय कॉल ऑन जेके लक्ष्मी सीमेंट 282 पे खरीदा, हालांकि दोस्तों ये लेट थे, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में देखिए इन्होंने रजिस्टर किया, पेड सर्विस लिया था, तो ये भी देखिए यहाँ देख लीजिए, उनको जनवरी में बताया था, यहाँ देख सकते हैं दिसंबर के पहले इनको बताया गया था। इनको कौन सा प्राइस पे बताया गया था? 276 में बाय कॉल ऑन जेके लक्ष्मी सीमेंट, मतलब कि जेके लक्ष्मी सीमेंट को आपको खरीदना है एट द रेट, मतलब कौन से प्राइस पे? 276 रुपीज में, यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको खरीदना था 276, और मैंने आपको दिखाया कहाँ तक चला गया था दोस्तों, 400 तक चला गया था। हालांकि इनको जो है 2 से 3 महीने रुकना पड़ा, 2 से 3 महीने पेशेंस रखना पड़ा, लेकिन भाई प्रॉफिट तो जबरदस्त मिला। बैंक में अगर आप पैसा रखोगे तो 6% मिलेगा, वो भी 1 साल में, ठीक है, 1 साल में। अगर आप शेयर मार्केट में रखते हो 3-4 महीनों में आपको अगर 20%, 25% या 30% मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख लीजिए, ठीक है, इन्होंने भी हमारे यहाँ जो है रजिस्टर किया था, पेड सर्विस लिए थे, यहाँ देख लीजिए दोस्तों 30 दिसंबर को, यहाँ पर देखिए जैसे ही प्राइस गिरा इनको भी वहाँ पर बता दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों बाय कॉल ऑन जेके लक्ष्मी सीमेंट 276 रुपीज़ में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना था, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने देखिए पूछा है कि ओके कितना टाइम टॉप लॉस एंड टारगेट, मतलब स्टॉप लॉस एंड टारगेट ये पूछ रहे थे भाई, वो हमने जो है नीचे सब कुछ बता रखा था। तो ये होता है दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहाँ पर आपको सही तरीके से जानकारी। तो देखिए मैं सारे कस्टमर को दिखा रहा हूँ, देखिए सबका जो है अलग अलग तरीका पूछने का, यहाँ पर देख लीजिए डेट सब कुछ मेंशन है, तो ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इतना प्रूफ तो आप कोई नहीं दिखाता, वीडियो में दिखाया, वीडियो में मैंने आपको बताया था खरीदने के लिए, उसके बाद मैंने कस्टमर को भी दिया, अब क्या चाहिए आप लोगों को? तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर 200 रुपये वाले स्टॉक अगर 1000 भी क्वांटिटी आप खरीद लेते हो, 2-3 लाख रुपये आप लगा के अगर 1000 भी क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको 1 लाख प्रॉफिट हो सकता है, 1 लाख। सोचिए आपने नहीं किया होगा तो आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए ये जो मेरा नंबर, अगर आप हमारे पेड सर्विस लेना चाहते हो तो ठीक है, ये देखिए ये जो नंबर है दोस्तों ऊपर वाला, ये जो है व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, व्हाट्सअप का, ओनली व्हाट्सअप। उसके बाद ये जो नंबर है दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाले वीडियो आपसे बिल्कुल मिस नहीं हो पाएगा।
और अगर आप हमारे तरह अपने पोर्टफोलियो को भी हरा भरा देखना चाहते हो जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 31.90 मतलब कि 32% की जो है रिटर्न मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 29.51 मतलब कि दोस्तों 30% का रिटर्न है, 22% का रिटर्न है, 21% का रिटर्न है, और यहाँ पर देख सकते हैं 15% का रिटर्न है। आप सोचिए आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न मिला है, मैक्सिमम हो सकता है दोस्तों 2%, 5%, 10%, 15%। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है दोस्तों, अच्छा से अच्छा आपको पैसा लगाना है, तो ज्वाइन कीजिए और जल्दी ही मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आपको लेट रिप्लाई मिलता है, दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबको बारी बारी से रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिए, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।